ये मेरे चैनल पे पहला ट्यूटोरियल वीडियो है जो कि मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप जो भी गाने आप ये रिकॉर्ड करते हो म्यूज़िक के साथ में, जो हाई क्वालिटी साउंड जो आपका मिलता है वो आप कैसे करते हो, इसके लिए आप क्या फैसिलिटीज़ या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास हैं जो आप यूज़ करते हो। तो ये मैं उन सब लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे घर पे कोई भी प्रोफेशनल सेटअप नहीं है ये रिकॉर्डिंग के लिए। मैं जितने भी गाने रिकॉर्ड करता हूँ ये मैं अपने मोबाइल से ही करता हूँ, और आप भी अपने एक स्मार्टफोन, नॉर्मल स्मार्टफोन से आप ये गाने अच्छी क्वालिटी में म्यूज़िक के साथ में रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सब आपको कैसे करना है, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सभी के नॉर्मली स्मार्टफोन में आपके पास प्ले स्टोर रहेगा, तो आपको जस्ट प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक आपको ऐप सर्च करना है, ये प्ले स्टोर ओपन हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपको एक ऐप सर्च करना है एंड दैट इज SMULA। आप ये जब टाइप करेंगे तो आप ये देखिए एक आइकन आपको बना दिख रहा है, सबसे पहले आपको जो दिखेगा आइकन ये ऐप ही आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो आप इसको क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। नॉर्मली जैसे हम लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं आपको पता है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए यहाँ पर खाली अपडेट का ही एक ऑप्शन आ रहा है। तो मैं वापस मेनू में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे करना है। ओके, सो ये यहाँ पे ऐप का आइकन यहाँ पे मेन मेनू में आपको दिख रहा है, इसको आप क्लिक करिए। इसको क्लिक करने के बाद में आपको हेडफोन रिकमेंडेशन ये देता है, बिना हेडफोन के ये वर्क नहीं करता है, तो आपको इसमें हेडफोन अटैच करना ही पड़ेगा। ये लोड हो रहा है तो ये देखिए यहाँ पे होम पेज आपका खुल जाता है। इसमें आपके पास में आप देखेंगे आपको यहाँ पे ये गाने की लिस्ट आपको दिख रही है कि कौन सा गाना आपको सेलेक्ट करना है, तो इसमें आप कोई भी अपनी पसंद का गाना यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट में अगर आपको नहीं दिखता है तो इसमें ऊपर ये सर्च का ऑप्शन है, आप इस सर्च के ऑप्शन पे जाके ये तो थोड़ा स्लो चल रहा है, सर्च के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आप गाने के टाइटल को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और ये गाना यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने जो रिसेंट सर्च किए हैं ये यहाँ पे दिख रहा है, तो ये गाना जैसे मैंने भी रिसेंट रिकॉर्ड किया था, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे आपको गाना शो हो रहा है, इसके आगे सिंक का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करिए। ये गाना आपका लोडिंग इसमें शुरू हो गया है।
कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा रहा है अभी। वापस ट्राई करते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे अब जब आएंगे तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे, ज्वाइन, डुएट, ग्रुप और सोलो। ज्वाइन ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे जो ऑप्शन हैं अभी स्मूल ने पेड कर दिए हैं। इसके लिए आपको वीआईपी मेंबरशिप लेना पड़ता है, जिसका आपको 110 रुपया महीने का आपका सब्सक्रिप्शन चार्जेज जाता है। तो ये आप नीचे के जो तीन ऑप्शन हैं इसमें आप नहीं गा पाएंगे। ज्वाइन आप कर सकते हैं, किसी और के गाने को आप ज्वाइन करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास फ्री में अवेलेबल है। क्योंकि मैंने वीआईपी सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो इसलिए मैं सोलो पे जाता हूँ। सोलो पे आप जाएंगे तो इसमें आपको ये वीडियो का ऑप्शन है, अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे नीचे ये ऊपर आप देखिए ब्लू लाइन पूरा कंप्लीट हो गया, मीन्स ये गाना आपका रेडी हो गया है गाने के लिए। उसके बाद आप ये स्टार्ट का नीचे स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे आप स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे आपका स्टूडियो शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये म्यूज़िक शुरू हो जाएगा, तो आपको इस म्यूज़िक को फॉलो करना है। जैसे ये अभी ब्लू में टेक्स्ट दिख रहे हैं, आपको जैसे वाइट में होने लगेगा तो आपको उसको साथ में फॉलो करना है। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। इसके बाद आप इसको यहाँ पे रोक के, मैं इसको सेव अर्ली कर रहा हूँ, अदरवाइज आप पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये लास्ट तक आपको ये उसके बाद में जो नेक्स्ट पेज है ये दिखेगा। ये पेज दिखेगा आपको। तो यहाँ पे आपको ये गाने को सुनना है तो आप कि आपका वॉइस कैसा रिकॉर्ड हुआ है यहाँ के, आप इसको प्ले करेंगे। ये म्यूजिक शुरू हो जाएगा तो आपको इसमें ये कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है ये इफ़ेक्ट के लिए है, तो इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, जो ये वीआईपी इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ वीआईपी इफ़ेक्ट्स हैं जो पेड हैं, जिन पे वीआईपी लिखा आ रहा है, जैसे सुपर पॉप है, सुपर स्टूडियो है, बाकी सब फ्री हैं। इसमें आप जैसे मैंने सुपर स्टूडियो ले रखा है, इसमें जाएंगे तो रिवर्ब और रूम साइज, ये दो पैरामीटर जो आप सेट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा है ये वॉल्यूम है, ये जो आपकी वोकल है उसका वॉल्यूम है, तो नॉर्मल ये वॉल्यूम को आप मिडल से थोड़ा नीचे रखेंगे तो अच्छा आता है। और ये वोकल मैच है, अगर आपका वोकल और ट्रैक आपस में आगे पीछे होता है तो इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक बार इसको सुनते हैं। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब ये इस तरह से आओगे, लिखो कब आपका आओगे। इस तरह आपका गाना रिकॉर्ड हो गया। इसको कंटिन्यू कीजिए। और उसके बाद इसमें कोई भी आप अपने पसंद का टाइटल यहाँ पे डाल के, कोई भी एक टाइटल, सपोज़ मैं अपना नाम डाल देता हूँ,
और यहाँ पे आप चाहें तो थंबनेल भी अपना मनपसंद कोई भी फ़ोटो इसमें यहाँ पे लगा सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ओके, और ये सेव कर दिया तो ये आपका सेव हो गया। अभी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद में ये गाना कहाँ पे स्टोर होगा, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये गाना आपका, ये आप होम पेज पे जाएंगे तो ये साइड में जो राइट बॉटम कॉर्नर पे ये आपके सारे रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे सेव हो जाएंगे, और यहाँ पे आप जाके इसको प्ले कर सकते हैं और सुन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक हाई क्वालिटी गाना अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको फाइल को शेयर कैसे करना है। अगर आपको ये फाइल इस एप्लीकेशन से निकाल के कहीं दूसरे जगह पे शेयर करना है तो वो कैसे करना है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सो इसको देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंजॉय सिंगिंग।